नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजमुल नारायण। सुल्तानपुर में रिहायशी इलाके में हुई एक घटना से भले ही जान माल का कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन इस घटना ने पूरे विभाग की पोल खोल कर रख दी है। गनीमत रही कि यहां पर लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के चौक इलाके का। यहीं पर शिवम बरनवाल की बरनवाल गारमेंट्स के नाम की दुकान है। दुकान जर्जर हुई तो दुकान मालिक ने इस नजूले की जमीन पर बिल्डर एग्रीमेंट कर लिया और बिना नक्शे के ही बेसमेंट की खुदाई शुरू करवा दी। नींव डालने के बाद दीवार खड़ी हुई और बेसमेंट की जो स्लीप्स हैं वो डाली गई है। इसी दौरान कार्य करवाने वाले बिल्डरों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि पड़ोस में भी कोई दुकान है। बिल्डर्स की लापरवाही के चलते पड़ोस की केसर स्टोर्स की दुकान भरभरा कर नीचे गिर पड़ी। गनीमत रही कि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि रविवार का दिन था, वरना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। वहीं सिद्धार्थनगर में हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पिस्टल लेकर खुलेआम युवक का हर्ष फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक पिस्टल लोड कर लगातार 4 बार हर्ष फायरिंग कर रहा है। 1 सप्ताह पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। मोहना थाना क्षेत्र के पोखरिया गाँव का ये वीडियो है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक पार्टी के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। नुमाइश ग्राउंड पर बैरिकेटिंग को किसानों ने हटाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इस प्रदर्शन के दौरान किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर और पैदल प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। किसान कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर ही बैठे हुए हैं। पीलीभीत में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जे के विवाद को लेकर एक पक्ष से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग परेशान हैं, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई है और जांच करने को लेकर लेखपाल भी मौके पर पहुंचे और नाप भी लिया। अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है, पर मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही। आरएलजी ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर जिलाधिकारी के पास लोग पहुंचे हैं। ब्लॉक प्रमुख के पति पर दबंगई करने, क्षेत्र में काम न करने के आरोप लगाए। अविश्वास प्रस्ताव लेकर 2 दर्जन से ज्यादा बीडीसी सदस्यों को लेकर तुंगना के अंजू चौधरी पहुंचे हैं। अंजू चौधरी के पति राहुल तुंगना कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। ब्लॉक प्रमुख के पति ब्रजपाल खोखर जिला बदर रह चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। छपरौली ब्लॉक की प्रमुख हैं अंशी खोखर। औरैया में आगामी त्यौहार को देखते हुए एसपी और डीएम ने बिधुना क्षेत्र में निरीक्षण किया। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का भी जायजा लिया। संबंधित पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। अगला मामला सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ का, जहां पर महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के परहेसिया गांव का, जहां पर एक शख्स ने बेटी के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की, जिस पर हीला हवाली की जा रही थी और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद यहां पर मामले में पीड़िता द्वारा महिला आयोग में शिकायत की गई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। मामले की पुष्टि शोहरतगढ़ सीओ महेंद्र सिंह द्वारा की गई है और ये बताया गया कि उसके फूफा ने जमीन जायजाद देने के नाम पर उससे गलत तरीके से अवैध संबंध बनाए, जिसको लेकर महिला के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देवरिया गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम सेखुई उसरवा टोला गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब फोन पर कहासुनी को लेकर महिला को बदमाशों ने मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार की रात में हुई। गाँव वालों का कहना है कि उसके परिजन इलाज के लिए भी नहीं ले गए, जिससे उसकी मौत हो गई।
लक्सर में समाधान दिवस मनाया गया है। दरअसल तहसील दिवस में SDM भी मौके पर मौजूद रहे। लक्सर तहसील में SDM गोपाल राम बिनवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में SDM गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार, तमाम लोग पहुंचे और 13 शिकायतें सामने आई, जिनमें से मौके पर 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बाकी जो शिकायतें बची थी उनके संबंधित विभागों को जानकारी दी गई है। वहीं SDM गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि शिकायतों से संबंधित सभी विभागों को शिकायत सौंप कर निर्देश किया गया है कि 10 दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण करके उसकी जो आख्या है वो उनको दी जाए। गदरपुर तहसील परिसर में तहसील दिवस SDM बाजपुर मौजूदगी में आयोजित की गई। तहसील दिवस पर आसाराम मामले का निस्तारण किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित कई मामले निस्तारण के लिए SPM के द्वारा अविलंब निवारण के लिए दिए गए हैं और उसके आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है कि बरसात के मौसम में डेंगू मलेरिया की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार किए जाने की रणनीति बनाए। और इसी दौरान SDM राकेश तिवारी ने कहा कि मौके पर 18 मामले का निस्तारण किया गया है, साथ ही अन्य कई मामलों को अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान के सभागार में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के नेतृत्व में एक तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में फरियादी अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचे। तहसील दिवस में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सड़कों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत से मिले। यहाँ बता दें कि तहसील दिवस में अधिकारी ज़्यादा थे जबकि फरियादी बहुत कम, जिनका मुख्य कारण ये रहा कि अधिकारियों ने फरियादियों को तहसील दिवस की सूचना समय से नहीं दी। इस कारण फरियादी तहसील दिवस में नहीं पहुंच पाए। तहसील दिवस में ज़्यादातर फरियादियों की कुर्सियाँ खाली दिखाई दी। फिलहाल जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने फरियादियों की फरियाद को सुना है, जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया है। लक्सर विकासखंड सभागार में OBC सर्वेक्षण के लिए आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर को जिम्मेदारी देते हुए विकासखंड अधिकारी लक्सर के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वेक्षण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी विजय देवरानी ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को सर्वेक्षण के लिए परीक्षण देते हुए निर्देश दिया है कि आपको बता दें कि हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शासन को OBC सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद उत्तराखंड शासन द्वारा OBC आयोग का गठन कर रजिस्टर्ड जज को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसके बाद शासन ने क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए OBC जातियों को चिन्हित कर उन्हें सर्वेक्षण सूची 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के आदेश नोडल अधिकारी को दिए थे। उसी क्रम में लक्सर में भी नोडल अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को जिम्मेदार देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। वहीं OBC सर्वेक्षण नोडल अधिकारी विजय देवरानी ने बताया कि उत्तराखंड शासन द्वारा OBC सर्वेक्षण आयोग का गठन किया गया है। सितारगंज कोतवाली में खड़े लावारिस वाहनों की आज पुलिस द्वारा नीलामी की गई। नीलामी में बोली लगाने के लिए काफी संख्या में सितारगंज क्षेत्र के स्क्रैप कारोबारी सितारगंज कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बोली लगाई। नीलामी की शुरुआत 1.5 लाख से की गई और बढ़ते हुए 3 लाख पर छूटी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाली इंडिया के साथ।